सबसे पहले बीएड, बीएसटीसी या डीएलएडी बसंत कुमार बाबूलाल दवे सिद्धेसर सांचौर। बसंत कुमार बाबूलाल दवे सिद्धेसर सांचौर, आपके लिए नेशनल कुड़ू प्रतियोगिता में प्रथम स्थान और उसके बाद है आरती जो तैयार रहे कर्मचारी हैं, उसमें दो डॉक्टर ने ज्वाइन किया है। बाद में आमंत्रित करना चाहूंगा बहिन चित्रलेखा प्रदीप जी त्रिवेदी सायला। अरे 97% के साथ आप गर्ल्स में भी इस कार्यक्रम में टॉपर हैं। अगर आप तो उसके स्थान पर अभिभावक ले लें, मान लीजिए वो भी नहीं आए हैं, तो बाद में मंच से संपर्क करके आप प्राप्त। विप्रो फाउंडेशन ने 272 प्रतिभाओं को किया सम्मानित। सायलाकुंड क्षेत्र के दादाल कस्बे के श्री शिवानंद महाराज मठ में विप्रो फाउंडेशन के तत्वाधान में विराट ब्राह्मण प्रतिभा महाकुंभ का आयोजन प्रदेश संगठक उमेश तिवारी व सांचौर एडीएम चंद्रशेखर भंडारी के मुख्य अतिथि में किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की 272 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च प्रतिशत प्राप्त करके और नंबर 1-2 आ रहे हैं, यानी कि अच्छे रिजल्ट्स ला करके और अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षा के और परीक्षा परिणाम के क्षेत्र में। निश्चित रूप से वो प्रतिभाएं हैं और वो बधाई की हकदार है, लेकिन प्रतिभा किसी भी क्षेत्र में हो सकती है और हर क्षेत्र में होने वाली प्रतिभा को आगे ला करके उसको सम्मान देकर के तराशा जाना भी आवश्यक है। कोई खेल में बेहद अच्छा हो सकता है, एक अच्छा खिलाड़ी बन कर करके राज्य का और राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है। किसी को पेंटिंग में रुचि है, चित्रकारी में रुचि है, वो अपने उस रुचि को आगे बढ़ा करके एक अच्छा चित्रकार बनकर के अपनी प्रतिभा को आगे ला सकता है। किसी को विज्ञान विषय में रुचि है, वो शोध के क्षेत्र में जा करके पीएचडी करके और कुछ नया खोज करके और अपनी प्रतिभा को आगे ला सकता है। किसी में ये क्षमता है कि मैं आगे जा करके प्रशासनिक पद पे जाऊं और समाज के लिए और राज्य के लिए प्रदेश के लिए काम करूं, तो लोक सेवा आयोग और यूपीएससी आईएएस की परीक्षा की तैयारी करके नई दिशा दे सकता है। कोई इंजीनियरिंग में अच्छा कर सकता है, कोई कृषि और खेती बाड़ी में बहुत अच्छा कर सकता है, जैसा कि हमारे इस क्षेत्र में तो मैंने देखा ही है जालौर सांचौर क्षेत्र में, यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती जीरा इसबगोल इस तरह की खेती का बहुत ज़्यादा प्रसरण उत्पादन है। तो हम इस क्षेत्र में भी दुनिया बहुत आगे जा रही है, तो आप एग्रीकल्चर में जा करके और इस तरह के नवाचार करके भी आप अपनी योग्यता प्रतिभा को आगे ला करके दिखा सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि बहुआयामी क्षेत्र है और प्रतिभाओं को प्रत्येक क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास करके प्रत्येक क्षेत्र में आगे भेजना चाहिए। जब सारे क्षेत्र आगे बढ़ेंगे तो जा करके हमारा देश प्रदेश समाज सब आगे बढ़ेंगे और एक संपूर्ण राष्ट्र का विकास होता है। समय में हम लोगों को संस्कार शिविर लगाने हैं। जब मेरा उद्बोधन आया तो मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है, संस्कार शिविरों की आज आवश्यकता है, परंतु मुझे शर्म ये महसूस हो रही है एक ब्राह्मण के लिए संस्कार शिविर का आयोजन, इससे बड़ा अभिशाप हमारे लिए कोई होता ही नहीं। दोस्तों, पूरी दुनिया को संस्कार बांटने वाली ये जाति है जो आज संस्कार से भटक गई है और हमें संस्कार शिविरों का आयोजन करना पड़ रहा है। आप लोग अपनी दिनचर्या को एक